स्ट्रीट बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। अभी अभी निकलकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए क्या है बड़ी खबर। अग्निपथ को लेकर देश के कई राज्यों में चल रही हिंसक झड़प की आज शुक्रवार को झारखंड भी पहुंच गई। हालांकि झारखंड में यह विरोध कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ही रहा। मिली जानकारी के अनुसार बोकारो और देवघर में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठी भांजना पड़ा, जबकि देवघर में पत्थरबाजी की भी खबर है। झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत डाल्टनगंज, देवघर, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर में केंद्र सरकार द्वारा सेना बहाली की नई प्रक्रिया अग्निवीर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए। इस दौरान देवघर को छोड़कर सभी जगह प्रदर्शनकारियों ने रेलवे सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक उत्पात मचाया। धनबाद में सड़कों पर टायर जलाए गए तो देवघर में प्रदर्शनकारियों के हुजूम ने सड़क किनारे लगे होर्डिंग बैनर को निशाना बनाया। जमशेदपुर, डाल्टनगंज और बोकारो में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए और रेल परिचालन को घंटों बाधित कर दिया। वहीं धनबाद में डिगवाडी से शुरू हुई पैदल मार्च 12 किलोमीटर लंबा सफर तय करते हुए धनबाद स्टेशन पहुंच रेलवे परिचालन को घंटों बाधित कर दिया, जिससे पूरे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों में सेना बहाली की तैयारी कर रहे बेरोजगारों युवा थे। सभी एक स्वर में सेना बहाली की पुरानी व्यवस्था लागू रखने की केंद्र सरकार से मांग की। इसको लेकर भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों के गुस्सा अपने चरम सीमा पर थे। यहाँ पर हम ये बोलना चाहेंगे, यहाँ का नेता लोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। पहली बात कारण ये है, जो आपको सड़क पूछ रहे हैं, कारण ये है कि सेना का जो भर्ती नियम जो चला आ रहा था पहले से, वही नियम चलना चाहिए। अभी क्या नियम जो नियम किया गया है वो 4 साल के लिए किया गया, जिसमें से 3 साल तो समझिए ट्रेनिंग में लग जाता है, 3 साल आपका एनसीसी का टाइम लग जाता है। तो ये कौन 4 साल का निकाल दिया ये नियम, और ऊपर से एज निकाला नहीं। 19 में जो एग्जाम हुआ उसका अभी तक एग्जाम रिजल्ट नहीं निकला, एग्जाम ही नहीं लिया, और यहाँ से ये नियम में नियम चेंज ले जा रहा है, तो ये सही नहीं है। इसको वापस लेना होगा। पुरानी भर्ती वापस शुरू हो, 2 साल की एज में छूट मिले और हमारी जो एग्जाम रुकी हुई है उसको वापस लिया जाए। पहले वाला नियम से पुनः भर्ती कराया जाए, और मैं पूर्ण रूप से टीओडी का विरोध करता हूँ। सरकार का क्या आदेश है, क्या किस तरह सरकार का आदेश है कि 4 साल की नौकरी चाहिए, और ये हमें मंजूर नहीं है सर। सबका नौकरी 4 साल, सबका नौकरी 4 साल बोल रहे हैं ये आर्मी वाला, ठीक है, लेकिन ये रूल हम लोग को नहीं चाहिए। टीओडी वापस ले ले, ठीक है, और रेगुलर आर्मी की तरह भर्ती दे, और एग्जाम जल्द से जल्द कराए, और झारखंड की आर्मी रैली जल्द से जल्द शुरू करे। क्या नाम हुआ आपका? नाम राजकुमार रवानी। आपका क्या नाम हुआ? 1 अप्रैल को होने वाली थी, वो कोविड-19 की वजह से उसको सर डिले कर दिया गया सर, स्थगित कर। उसके बाद बार बार डेट मैंने आगे तरफ पोस्टपोन किए जा रहा है सर, कि कोविड-19 की वजह से ये चीज नहीं हो पा रही है। फिर उसके बाद सर ये अपनी नई योजना के तहत आए, और राजनाथ सिंह और सेना के तीनों चीफ ने आकर इस चीज को बयां किया, और जितनी भी पीछे की भर्ती थी वो सारी कैंसिल होगी और टीओडी के तहत ये भर्ती की जाएगी। मुझे 4 साल में सर मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा सर, उसमें कोई उजला दिखाई नहीं दे रहा सर। अगर मान लेते हैं सर, अगर हम 4 साल में मेरी 21 वर्ष एज हो रही है सर, अगर भर्ती हो गया तो मैं 25 वर्ष हो जाऊंगा। अगर 25 वर्ष मैं जनरल कार्ड से हूँ, अगर कोई भी असम राइफल या जिला पुलिस कुछ भी आएंगे सर, उसमें कितनी एज रहती है जनरल पुलिस का? 25 रहती है। उसके बाद क्या गृहमंत्री हमको पूरा एज में छूट दे रहे हैं या डायरेक्ट हमको ज्वाइनिंग करवा रहे हैं? आप बताइए, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।